हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपके शहर की रौनक, सिटी की रौनक लुवीना आपके साथ, और मेरे साथ है आपका, जिसे पंजाबी में कहते हैं, मित्र प्यारा हिमांशु। और ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला। कुछ भी शुरू करने से पहले आपका ही हम स्वागत करेंगे। वेलकम बैक, रेडियो सिटी में वापस आए हैं एक नया जन्म लेकर। उसके लिए भाई हम बहुत खुश हैं। सो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, ही सफर्ड एन एक्सीडेंट, बहुत हॉरिबल था, बट विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज सो गुड। सो वेलकम बैक मित्र प्यारा हिमांशु। थैंक यू। और इतना प्यार, इतनी दुआएं, इतनी बेस्ट विशेस, और जो कर्म करते हैं हम जिंदगी में, शायद वो काम आए कि आज मैं फिर ट्रेंडिंग मसाला में आपके सामने हूँ। We missed you, everybody missed you, and we are all set आज फिर आप तक पहुंचाने के लिए ट्रेंडिंग अपडेट। देखो, एक ऐसी चीज है जो खत्म हो चुकी है, बट उस पर बातें बनना और बातें उसके बारे में खत्म नहीं हुई। और ये है हैशटैग अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज जामनगर में हुई। और ऐसी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज का वो 3 दिन का वो चला है ओकेजन, भाई साहब कौन नहीं आया। मैं वही बोली थी, कौन ऐसा सेलिब्रिटी था जिसको हमने वहां पे नहीं देखा, बुलाया नहीं होगा। फिलहाल मैं बता दूं कि टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आनंद अंबानी वेडिंग हैशटैग ट्रेंड है प्लेटफॉर्म एक्स पे, और दिलजीत दोसांझ भी यहाँ पर आए, छाए पड़े। भाई इस लड़के ने जब तक वो परफॉर्मेंस की तब तक हर कोई नाच रहा था। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मेला लुट लिया दिलजीत, मेला लुट लिया, रिहाना को भूल गए लोग। एग्जैक्टली। और दिलजीत ने स्टेज पर कहा भी कि करीना कपूर जब साथ थी, ये हमारी असली रिहाना है। यस, होगी रिहाना, बियॉन्से आप बुला लो किसी को भी, बट हमारे लिए करीना कपूर ही रिहाना है। वो वीडियो जब अनंत अंबानी खुद कह रहा है कि दिलजीत भाई 20 मिनट और, बिल्कुल आगे से दिलजीत भाई 20 क्या 30 मिनट, 30 आपके लिए। तो ये वैल्यू है दिलजीत दोसांझ की। और दिलजीत की बहुत सारी वीडियोस और भी वायरल हो रही है, जो ढेर सारे गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत क्या फनी वॉइस ओवर दिया है, स्टोरीज पर मजा आ गया। आप देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ के ऑफिशियल पेजेस पर वो वीडियोस। और मैं आपको बताऊं, मतलब एक ऐसे कंप्लीट एंटरटेनर, स्टेज परफॉर्मर है कि नीता अंबानी जी भी उनसे बात कर रहे थे 1-on-1, केम छो मजा मा। फिर वो पूछते हैं कि कहां से हो, तो बेचारे ने कितने कहां रहते हो, कहां रहते हो, कहां से हो, तो बोले आपके दिल से। भाई मेला लुट लिया जो मित्र प्यारे हिमांशु ने किया। एंड उन्होंने ना एक कंक्लूजन वीडियो भी डाली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, और आपको बता दें कि वीडियो 1 घंटे में लाखों में शेयर हुई, मिलियंस में व्यूज आए। और उस वीडियो में अगेन अपना पंजाबी भाषा दे विच उन्होंने वॉइस ओवर दिता है, विच इज सुपर, मजा आ गया देखकर, मजा आ गया। दिलजीत दोसांझ दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले। और इतने सेलिब्रिटीज उस प्री वेडिंग फंक्शन में, रिहाना, करीना कपूर खान, सभी, सलमान खान, शाहरुख खान, और इतना जो झमेला था उसमें एक चीज और हुई है, क्या शाहरुख खान और रामचरण भी ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, ये मीम भी बहुत सारे लोगों ने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि भाई वो काम बॉलीवुड नहीं कर पाया जो अंबानी ने कर दिया, तीनों खान्स को एक साथ एक स्टेज पे नचा दिया। एक शाहरुख खान का इंटरव्यू था जिसमें किसी ने पूछा था कि अगर तीनों को लेकर फिल्म बनाई जाए, तो शाहरुख खान साहब ने कहा था भाई कपड़े बिक जाएंगे, ये हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आए अंबानी साहब बेच, और उनकी भी एंट्री देखी थी डॉन गाने पे। एग्जैक्टली, मतलब मैं वही देख रही थी, कर दिया ना अंबानी ने वो काम। और उसी के साथ मैं बता दूं, ये तीनों जब स्टेज पे आए तो डिसाइड होने लगा कि किसके गाने पे डांस होगा, क्या होगा क्या नहीं, तो फिर हुई वो चीज, कहा गया कुछ ऐसा कहा गया जिसके कारण सल्लू भाई तो फंस गए, पूरा फंस गए। सल्लू भाई नहीं, शाहरुख खान। सल्लू भाई ने एक्चुअली जब शुरू किया था कि तेरे गाने पे डांस नहीं होगा, मेरे गाने पे डांस होगा, तेरे गाने पे नहीं होगा, मेरे गाने पे होगा, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी इसकी लाइन लगी ना, हाय नाटू तो इन खान्स का हो गया एक्चुअली में। हुआ क्या एक्चुअली, हुआ क्या कि आपको इनवाइट करने के लिए जो बुलाया गया, नाटू खान बोल रही हूँ, ये है पावर खान्स की, नाटू वाले रामचरण जी को बुलाते हैं कि उनका ही गाना हम चलाएंगे, उनके गाने पे डांस करेंगे, बट बुलाया किस नाम से, इडली और ऐसे गड़ा, क्यों वो कुछ उन्होंने किसी तामिल फिल्म का डायलॉग बोला था एक्चुअली में, बट लोग कह रहे हैं कि इसने रामचरण को इडली बोलकर स्टेज पर इंटेंशनली किया, बट वो अब रियल बात तो वैसे हमें भी नहीं पता यार। बट मेरे हिसाब से शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार है, फिर भी ऐसी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। हम हर बार कहते हैं, आप हर बार कहते हैं यहाँ पे, जब आप एक पब्लिक सेलिब्रिटी होते हैं आपको हर कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, आप जोर से सांस भी लेते हो ना, वो भी नोटिस होती है। यस एग्जैक्टली। और लोग बस सोशल मीडिया पर, आधे लोग शाहरुख खान के अगेंस्ट आधे उनके फेवर में, ये ट्रेंड टॉप पर है सोशल मीडिया पर। मतलब अभी तो बातें शुरू हुई हैं, इनकी बातों को मुझे लगता है पूरा ट्रेंडिंग मसाला कवर कर सकता है, इतना कुछ हुआ इनकी शादी में। पता है करण जौहर तो दिखे नहीं, पर औरी यार यहाँ पे भी था, और औरी ने अपना सिग्नेचर पोज रिहाना के साथ कर लिया। मतलब सब कह रहे थे कि भाई, और रिहाना ने सिर्फ औरी के साथ नहीं, जो जानवी कपूर,
कुछ और सबके साथ और ये रिहाना वही है ना जो कहती थी मैं इंडिया कभी शो नहीं करूंगी, कभी शो नहीं करूंगी। देखो दिलजीत दोसांझ, रिहाना, बड़े बड़े स्टार्स, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, पंजाबी गाना याद आ रहा है मेरे को, ओ पैसा जिवें नचाई जांदा दुनिया नची जांदी आ, और नाच रहे थे वहां पे, हर कोई नाच रहा था। मतलब मैं वो सोचती हूँ कि यार ये सबको इतना पैसा मिला होगा, इन्होंने होस्टिंग की, खाना सर्व किया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में सब कुछ हो गया उस शादी में। द ऑल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया, ऑफ कोर्स। चलो इनसे और बातें करते हैं, बड़ी सारे टॉपिक्स है यार। एल्विश यादव ट्रेंड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि बिग बॉस 17 के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे वो म्यूजिक वीडियोस ही करी जा रहे हैं। अब ये माहिरा खान के साथ वीडियो कर रहा है इसलिए ट्रेंड कर रहा है, और एल्विश के कितने और क्यों फैंस हैं भाई इतने सारे। मतलब आप ये हैशटैग इतना ट्रेंड कर देते हो कि बिहाइंड द सीन्स उस बीटीएस वगैरह सब। भाई अगर डॉली चाय वाला के फैंस हो सकते हैं तो एल्विश के क्यों नहीं हो सकते। और डॉली चाय वाला उसको तो बिल गेट्स मिलके गए हैं भाई, कहां पर पहुंच गया भाई, एक चाय के कप से क्या जिंदगी बन गई है। चाय की हमारे देश में क्या वैल्यू है ये पता लग गया, पता लग गया है। चाय, एक चाय का कप आपको कुछ भी बना सकता है। चाय से याद आया, मैं लेट इवनिंग कल घर पहुंची, चाय का कप पकड़ा, स्क्रॉलिंग करने की आदत है बट कर नहीं पाई। फेसबुक डाउन, इंस्टाग्राम डाउन भाई, फेसबुक लॉग आउट, इंस्टाग्राम लॉग आउट। मैं डर गई, और पहले 10 मिनट तो मैं इंटरनेट वालों को गालियां दे रहा था। अच्छा ठीक है भाई, दूसरे दिन तुम्हारा इंटरनेट बंद हो जाएगा। मम्मी आए, काका मेरा इंटरनेट, मेरा फेसबुक नहीं चल रहा। अच्छा सेम हैपेंड, मेरी मम्मी भी आई, पापा आए, वो मेरा फेसबुक नहीं चल रहा। सेम, देन फिर जो वो आधा पौना घंटा था ना, हम सब ने आपस में बैठ कर बिताया, तब मेरे को पता लगा मेरे फैमिली वाले भी अच्छे लोग हैं। और मैं बताऊं कि आपने भी नोटिस किया होगा, फेसबुक डाउन हुआ, इंस्टाग्राम डाउन हुआ, सब स्नैपचैट और प्लेटफॉर्म एक्स पर और व्हाट्सएप पर आ गए। पूछ रहे थे कि यार मेरी आईडी तो नहीं हैक हो गई, व्हाट हैपेंड एक्चुअली। यार मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कोई ऐसा रूल बन जाए कि हर रोज घंटा दो घंटे ये सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं चलेंगे तो वैसे अच्छा है। आई बिलीव ये अच्छा होगा, है ना, कुछ टाइम हम अपना क्वालिटी टाइम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, फोन एडिक्शन जो है उससे हम दूर हो जाएंगे। और लोग तो ऐसे ऐसी पोस्ट डाल रहे थे सोशल मीडिया पर, भगवान कोई गलती हो गई हमसे, प्लीज आगे से ऐसा मत करना। मतलब सोशल मीडिया की आज की डेट में कितनी वैल्यू है हमारी, हम जान चुके हैं। एक घंटा बंद हुआ और सब पागल हो गए, सबको सांस तब भाई जब वापस इंसान ऑक्सीजन के बिना रह सकता है सोशल मीडिया के बिना नहीं, बिल्कुल सही कहा। अब इसी के साथ एक सोशल मीडिया वाली बात हम बता दें, रेडियो सिटी ढूंढ रहा है कौन बनेगा रील स्टार। आप सुपरस्टार अगर अपने आप को समझते हो तो बन सकते हो रील स्टार, करना छोटा सा काम, लाइट्स, कैमरा, रील्स और कैश प्राइज मिलेगा 1,00,000 तक का कैश प्राइज। ये मौका हाथ से मत जाने देना, ये ट्रेंडिंग अपडेट है रेडियो सिटी की। अगर आपको लगता है आप डांस करते हैं, क्रिएटिवली कुछ गा सकते हैं, मिमिक कर सकते आप हैं, चाय बनाते हैं, कुछ भी, आप मैगी बनाते हैं, हाँ कुछ भी करो भाई, क्रिएटिव। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल, कुछ भी वायरल। पहले के जमाने में लोग फेमस हुआ करते थे, आज के जमाने में लोग वायरल हुआ करते हैं और होना भी वायरल ही चाहते हैं। पहले कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, अब है कुछ भी कर सोशल मीडिया में डाल। सो आप रील्स डाल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रेडियो सिटी इंडिया फॉलो कीजिए, रेडियो सिटी पंजाबी फॉलो कीजिए, रेडियो सिटी के जितने भी हैंडल्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। एक और अपडेट आपको आलिया भट्ट के साथ रिलेटेड मैं बताती हूँ। हाल ही में वो मुंबई में एक इवेंट में गई, उन्होंने बैग पकड़ा था जो एनिमल लेदर से बना था। हम सब जानते हैं कि वो मना है कि आप प्रमोट एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जहाँ पे आप किस एनिमल की चमड़ी थी वो कुछ ऐसा ये मुझे पता नहीं लगा, बट ये पता है कि 2-2.5 लाख का वो बैग था, एनिमल लेदर से बना था, विच इज ऑफ कोर्स गलत है, बिल्कुल गलत है। तो कह रहे हैं कि आप हिपोक्रेट नंबर 1 हो, ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। चलो भगवान सबको अकल दे, पता नहीं, बट एनिमल वाली बात मुझे अच्छी लगी आपकी। फिलहाल 8 मार्च इंटरनेशनल विमेन डे भी आ रहा है, आपका दिन, हमारा दिन, और हम हैं आप सबके साथ। हम हमेशा कहते हैं रेडियो सिटी की टीम कि विमेन जो है वो वी द मेन से बनती है, तो आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, आपका सपोर्ट मिलता रहे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। तो हमारी तरफ से, रेडियो सिटी की तरफ से, जो भी आप देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, आपको वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल विमेन्स डे, बहुत बहुत बधाई। ये हाथ जोड़ के क्यों, बस नारी शक्ति जिंदाबाद, बिल्कुल। सो इसी के साथ आपको बता दें कि मिलेंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में ट्रेंडिंग मसाला के, तब तक याद से रेडियो सिटी पंजाबी के पेजेस को आप
फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार देते रहें। दीजिए इजाजत और मौसम ऐसा है, कभी बारिश, हाँ, कभी धूप, गला देखो खराब है, स्वेटर, गले खराब हैं, ऐसे मौसम में अपनी सेहत का ध्यान बहुत ख्याल रखें। दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर नई बात जल्दी मिलेंगे, हाजिर होंगे। देखते रहिए रेडियो सिटी और सुनते रहिए, देखते रहिए ट्रेंडिंग मसाला। मैं हिमांशु, मित्र प्यारा हिमांशु, मैं आपके शहर की रौनक, सिटी की रौनक लुवीना।